ओके सो दिस इज चेंजिंग, तो इसलिए ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कॉन्वेक्स एंटेरियरली बनता है. ओके ओके सो ओके नाउ सो बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ, ओके थर्ड मंथ और सो द सर्वाइकल फ्लेक्चर, ओके फ्लेक्चर चेंजेस परमानेंटली. समझ रहे हो? तो सर्वाइकल फ्लेक्चर चेंज कर, मुझे लगे नहीं. जब कोई प्रॉब्लम है पूछ लिया करो, इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है, तो इफ देयर इज एनी इश्यूज प्लीज डिस्कस. ठीक है, तो एड तो सिंस उसको अपना सर उठाना है तो उसने वो फ्लेक्चर को चेंज किया. जब तक फ्लेक्चर चेंज नहीं होगा मुंडी फिर से नीचे गिर जाएगा. मीन्स एक तो वर्टिब्रा चेंज करना पड़ेगा, दूसरा उसका जो नेक का मसल्स है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा. ओके सो दिस इज द केस. सो बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ और सो द सर्वाइकल फ्लेक्सर चेंजेस परमानेंटली. ओके फुल स्टॉप. नीचे का भी होता है सर ऊपर वाले के साथ साथ? अब पहले ऊपर वाला हो जाए ना, क्या बोल रहे हो बताओ? ऊपर वाला कर ले, क्यों पूछ रहे हो अननेसेसरी? जो डाउट आई हैव ऑलवेज टोल्ड इट शुड बी पास्ट टॉपिक्स नॉट फ्यूचर टॉपिक्स. तो यू एक्चुअली इरिटेट द क्लास एंड अगेन इट इज अ टाइम वेस्टेज. फिर मैं गाली दूंगा फिर उसका टाइम वेस्ट होगा. समझ? तो इसीलिए हर समय पीछे वाला टॉपिक का डाउट पूछा करिए. फाइन, चलिए. सो अब ये हमारा चेंज हो गया, तो इसलिए सर्वाइकल फ्लेक्चर चेंज हुआ. नाउ अब जैसे ही वो हेड हाई करेगा अब उस बच्चे को सब कुछ दिखने लगा, यहां दिखने लगा वहां दिखने लगा. बट साला लफड़ा क्या है कि वो जो भी दिखता था जमीन के ऊपर का चीज दिखता था, पर डैडी मम्मी जो चीज रख दिए बेड के ऊपर या कुछ टेबल के ऊपर वो साला चीज दिखे ही ना. जितना मोड़ मार दिए मुंडी दिखे ही ना. क्या एक तो रख दिया उसके ऊपर जो टूटू होता है, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बजता है. तो अब ये जो क्यूरियोसिटी है बच्चे का, तो ये उसको मजबूर करता है कि जब मम्मी डैडी आसपास ना हो तो कुछ पकड़ उकड़ के, चाहे वो स्टूल हो चाहे वो बेड हो चाहे वो टेबल का लात हो, खड़े हो जाए एंड देखें तो साला वो दुनिया जो बिस्तर का ऊपर रखा पड़ा. ओके सो ओके सो दैट इज द फन, यू नो. सो दिस इज द फन. तो अब ये जो क्यूरियोसिटी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बंदरामी. समझ रहे हो? एंड यू सी द ब्यूटिफुलनेस कि ये जो बंदरामी है ये दोनों बंदर में भी होता है एंड हम लोगों में भी होता है. सो बोथ दीज थिंग्स हैपन इन बोथ द ऑर्गेनिजम्स. ओके सो इन ऑर्डर टू स्टैंड स्ट्रेट, ओके सो इन ऑर्डर टू स्टैंड स्ट्रेट द लुम्बर फ्लेक्सर हैज टू बी मेड क्या? कॉन्वेक्स एंटेरियर. समझ रहे हो? तो जब तक आप ऐसे कनकेव रहोगे तो ये सीधा होने वाला नहीं है कमर. तो इधर क्या हो रहा है? जो कमर को हमने कैसे सीधा किया, अब हम लोगों ने इधर ऐसे, व्हाट वी हैव डन बता? सो वी हैव पुश्ड दिस अहेड. देख रहे हो कि नहीं? ये जो कनकेव था इसको हम धक्का लगाकर कन्वेक्स करने का कोशिश करते हैं. ओके सो इन ऑर्डर टू स्टैंड स्ट्रेट द लुम्बर फ्लेक्चर हैज टू बी मेड कन्वेक्स anteriorly. Okay, full stop. It takes time and the child
manages to stand with some or the other support. Okay, तो किसी ना किसी के सपोर्ट से वो खड़ा हो जाया करता था. Fine? जो चाइल्ड है वो खड़ा हो जाता था. But if the vertebral flexure does not support, okay, he used to fall down. तो बच्चा गिर जाता था. Okay, one beautiful day, the child did not fall and started to walk on his two legs in an erect posture. है कि नहीं? This day was achieved only after the change of lumbar flexure to what? Convex anterior. Hello, ma'am. Koshak. Okay. So the day, this day was achieved only after the change of lumbar flexure to convex anteriorly, permanently. Okay. इसको हम लिखेंगे permanently. Okay. So this is the concept. Okay. तो ये जो चेंजेस, तो इसीलिए तो सो प्राइमरी फ्लेक्सर्स कौन कौन से हैं बोलिए. सो व्हाट आर द प्राइमरी फ्लेक्सर्स, माने जो अनचेंज्ड है. प्राइमरी फ्लेक्सर का मतलब क्या है, जो चेंज नहीं किया. सो द प्राइमरी फ्लेक्सर्स आर विच वन बोलिए. अब जल्दी बोलो ना यार, ये सब जो बोर करते हो ना और भी दुख लगता है. तो ऐसे दिख रहा है आंख से कि कौन कौन सा चेंज नहीं हुआ है. तो थोरैसिक एंड सैक्रल, तो जो थोरैसिक एंड सैक्रल है ये चेंज नहीं करता है. एंड सेकेंडरी फ्लेक्सर्स मतलब जो बदल गए. तो सेकेंडरी फ्लेक्सर्स कौन कौन सा है, so they are the cervical and lumbar. ठीक है, so ये हमारे important topic है with respect to the vertebral flexure. तो बिना ये change किए एक बच्चा खड़ा होके erect नहीं चल सकता. Okay, now as we have discussed the vertebral formula, तो cervical का 7 है, thoracic का 12 है, लुम्बर का 5 है, सैक्रल का 5 फ्यूज्ड. तो ये जो 5 फ्यूज्ड है उस बोन का नाम क्या है, दैट बोन इज कॉल्ड सैक्रम. ओके, तो सैक्रम इज द बोन जिसके लिए हम लोग 5 फ्यूज लिखते हैं. एंड कॉक्सिक्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज 4 फ्यूज्ड. ओके, तो इसलिए सैक्रम वो हड्डी है जिसको हम 5 फ्यूज्ड बोलते हैं, एंड कॉक्सिक्स वो हड्डी है जिसको हम 4 फ्यूज्ड बोलते हैं. हो गया. चलिए अब हम लोग चले जाते हैं वर्टिब्रा. बट एक्चुअली वर्टिब्रा का जो स्लाइड हमें पहले देखना है वो है कहाँ, तो वेर आर द फर्स्ट वर्टिब्रल स्लाइड. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा. एक्चुअली इधर हम एक पेज इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर
ऑफ द वर्टिब्रा। ओके, तो ये जो वर्टिब्रा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रा। चलिए, तो आप ये जो स्ट्रक्चर है वर्टिब्रा का हमारा, तो उसका एक हड्डी निकाल के लाते हैं ताकि उसका डिटेल हम पढ़ सकें। ओके, वी नीड अ टिपिकल वर्टिब्रा। किधर है टिपिकल वर्टिब्रा? सपोज इसको उठा, एक टिपिकल वर्टिब्रा हमें चाहिए। लेट मी फाइंड आउट ए टिपिकल वर्टिब्रा। एक्चुअली क्या है, जो वर्टिब्रा के अलग अलग प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो जो टिपिकल वर्टिब्रा का मतलब क्या है, इट इज दैट वर्टिब्रा विच शोज ऑल द एग्जैक्ट फीचर्स रिक्वायर्ड ऑफ ए वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा का जो जो चीज हमें एक्चुअली देखना चाहिए तो ये वो चीज दिखाता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड द व्हाट, दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्रा। फाइन, तो वर्टिब्रा किधर गया? एक्सियल स्केलेटन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम। इसको चला लेने से होगा, है ना? स्टिल इट इज वेरी लाइट इन कलर। चलो इसी को चला लेते हैं जो है हमारे पास एक्चुअली। अभी लास्ट मोमेंट में ढूंढने से फिर वो टाइम खाता है। तो ये वाला जो वर्टिब्रा का फोटो है इसको हम लोग ले आएंगे। ओके, और कौन सा है, इसको ले आते हैं। ओके, तो सपोज वील ब्रिंग इट हियर। क्लियर? तो ये हमारा है वर्टिब्रा। आर यू एबल टू सी दिस स्ट्रक्चर? क्यों उसको छुपा देते हो तुम लोग, समझ नहीं आता। अब आया, इज इट विजिबल? यस सर। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। So this is the posterior part, okay? And ये है posterior मतलब पीठ, and ये आपका पेट वाला साइड है, anterior part, fine? So this is what you have to remember. तो हमें ध्यान देना है ये spinous process, okay? तो spinous इसका चला जाता है cursor, ये spinous process है, ये transverse process है। ये जो है इसको हम लोग क्या बॉडी या सेंट्रम कहते हैं, ये आर्च होता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं एक्चुअली, तो मैं इसको अलग से भी लेवलिंग कर देता हूं। ओके, सो दिस स्पाइनस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड न्यूरल स्पाइन। ओके, एंड इसको हम लोग NS बोल के शॉर्टकट यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द न्यूरल स्पाइन। हो गया, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है तो उसका नाम ट्रांसवर्स।
प्रोसेस ही रहेगा, दिस इज कॉल्ड टीपी। ओके, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस और टीपी। उसके बाद बॉडी का एक और नाम होता है सेंट्रम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रम। फाइन, सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपका सेंट्रम हो गया। उसके बाद ये जो होल देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं न्यूरल, न्यूरल कैनाल। ओके, सो दिस वी विल कॉल न्यूरल कैनाल। फाइन, तो इसको हम लोग न्यूरल कैनाल बोलेंगे। क्यों बोलते हैं न्यूरल कैनाल बताइए? व्हाई डू यू कॉल इट न्यूरल कैनाल? नर्व्स वगैरह इसी रास्ते से जाते हैं। नर्व नहीं, स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता हुआ लेकर जाता है। देख रहा आप लोग का कितना मिजरेबल बैकअप है टेंथ का, ये सब हम लोग टेंथ में पढ़ चुके हैं, अंडरस्टूड? तो आप लोग को ये सब कुछ भी बेसिक्स नहीं आता है। तो एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड को अगर टच भी करोगे ना कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए उसको बहुत प्रोटेक्शन में रखना पड़ता है। तो सारे वर्टिब्रा अगर जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उसके लिए केस जैसा हो जाएगा। तलवार जैसे म्यान में घुसता है, स्पाइनल कॉर्ड घुसेगा न्यूरल कैनाल में। ओके, उसके बाद ये जो गोल सा घूम रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड आर्च ऑफ द वर्टिब्रा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द आर्च ऑफ द वर्टिब्रा। एंड जब आप जो बेसिक वर्टिब्रा होता है ना उसमें कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक बड़ा सा सर्कल होता है, एक बड़ा सा सर्कल, समझ रहे हो? इसमें कोई आर्च फार्च नहीं होता। सपोज मैं एक और कलर से बनाता हूं, सपोज हम लोग देखेंगे एक ये, तो पहले जो पहला वर्टिब्रा होगा ना, जो बिगिनिंग में वर्टिब्रा होगा वो इस तरह से होगा, बिल्कुल एक सर्कल होगा, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा, फिर आपका न्यूरल स्पाइन एटसेट्रा एटसेट्रा आता है, समझ रहे हो? सो दिस होल सर्कल इज कॉल्ड द आर्च ऑफ द वर्टिब्रा। कोई शक? ओके, इसको हम लोग आर्च ऑफ द वर्टिब्रा बोलते हैं। अब ये जो वर्टिब्रा है ये आपस में जुड़े होते हैं। नाउ अब ये हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, सुपीरियर व्यू। इसका मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं इसको? अरे बाबा रे, ऊपर से। तो वी आर सीइंग इट फ्रॉम टॉप। इसका मतलब ये जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रीजाइगापोफाइसिस। ओके, इसको हम लोग कहते हैं प्रीजाइगापोफाइसिस। लिखा नहीं है तो हम लोग एक एरो बना देंगे एंड लिखेंगे। ब्लू थिन यूज करते हैं ताकि वो थिक हो जाए। ओके, सो ये जो है इसको हम ऐसे खींच के लाएंगे या इधर ले जाते हैं, अच्छा है ना? तो ये जो पार्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्री जाइगापोफाइसिस। ओके, प्री जाइगापोफाइसिस, अंडरस्टूड? एंड ये जो प्री जाइगापोफाइसिस है इसको अदरवाइज हम लोग क्या कहते हैं, या सुपीरियर आर्टिक्यूलर फैसेट। ओके, इसको सुपीरियर, ये ऊपर की तरफ होगा। तो ये किसके साथ जुड़ेगा बोलो? अगला का नीचे वाले के साथ, समझ रहे हो ना? अगर ये ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर जो वर्टिब्रा है उसका नीचे भी एक सरफेस होगा, है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड पोस्टेरियर जाइगा, क्या पोस्ट। तो इधर एक्चुअली वो दिख नहीं रहा, अगर हम लोग बना लें तो सपोज लेट अस मेक वन। ओके, नाउ अगर यहां एक इस तरह से हम एक प्रोजेक्शन बनाते हैं पीछे के साइड, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टेरियर जाइगापोफाइसिस।
या पोस्ट जाइगापोफाइसिस। पोस्ट जाइगापोफाइसिस या क्या बोलेंगे, इन्फीरियर आर्टिक्यूलर फैसेट। ओके, इन्फीरियर आर्टिक्यूलर फैसेट, अंडरस्टूड। एक्चुअली मनस्विनी के जो बात से मुझे एक चीज याद आ गया कि मैंने एक नया फैसला लिया है कि अब से आपको ये नोट नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं? तो कितना गुड फैसला लेता हूं कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए ये जो है आपका, तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट जाइगापोफाइसिस। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए प्री एंड पोस्ट क्या करते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बनाते हैं। तो प्री एंड पोस्ट जाइगापोफाइसिस ऑफ दी क्या, कंसेक्यूटिव वर्टिब्री फॉर्म द इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। ओके, तो प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस ऑफ द कंसेक्यूटिव वर्टिब्री फॉर्म द क्या, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। अंडरस्टूड? तो इसको इंटर वर्टिब्रल जॉइंट हम बोलते हैं। ओके, तो इंटर वर्टिब्रल जॉइंट, फाइन। तो ये आपका याद रखना। तो इसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए ये जॉइंट हम बनाते हैं, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। कोई शक? तो अब कौन सा बनाएगा बताइए, आत्मन का कोई शक नहीं है तो बताइए कैसे बनेगा ये जॉइंट, बताओ आत्मन। तो प्री जाई कौन इतना लिखेगा, of the second vertebra forms a joint between the with the forms a joint with the post zygote of the कौन सा बताइए। तो प्री जाइगा ऑफ द सेकेंड, वेरी वेरी गुड। सो ये है फर्स्ट वर्टिब्रा, आ गया मजा। तो ऑफ द फर्स्ट, ओके, एक और जला। तो प्री जाइगा ऑफ द सेकेंड वर्टिब्रा फॉर्म्स ए जॉइंट विद द पोस्ट जाइगा ऑफ द फर्स्ट। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका ओके वर्टिब्रा, हाँ टू फॉर्म, इसको लिख देंगे एक लाइन, है कि नहीं, ऑफ द फर्स्ट टू फॉर्म द इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। इंटर वर्टिब्रल, फिर से थोड़ा समझा देंगे? नहीं, वो मनस्विनी समझाएगी। ओके, बताइए मनस्विनी क्या समझ आ रहा है इसको, बताओ। बताइए, सुनो, प्री जो है वो ऊपर होता है, पोस्ट जो है वो नीचे होता है। ओके, एक्चुअली प्री एंड पोस्ट किसका यूज होता है, दिस इज इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पैरेलल टू ग्राउंड होता है। हम लोग तो खड़े हो गए, तो हमारा प्री का मतलब क्या है, सुपीरियर, एंड पोस्ट का मतलब क्या है, इन्फीरियर। तो हमारे केस में आप किसको याद रखिए, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दिस इज फॉर मैन। ओके, प्री एंड पोस्ट जो है वो एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमारा जो प्री है वो ऊपर है, तो वो नीचे के साथ बॉइंट बनाएगा। तो अगर सेकेंड का ऊपर है तो उसके ऊपर किसका नीचे वाला होगा, फर्स्ट का। तो इसीलिए प्री ऑफ द सेकेंड वर्टिब्रा फॉर्म्स ए जॉइंट विद द पोस्ट ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा। ओके, समझ में आया अर्पित बाबू? चलिए, सिमिलरली
तो आप बताओ ये वाला बताओ। तो सिमिलरली इसको हम उल्टा कर देते हैं, ओके, सिमिलरली पोस्ट, ओके, पोस्ट ऑफ द थर्ड वर्टिब्रा, सपोज इसको हम थर्ड कर देते हैं, फॉर्म्स ए जॉइंट विद द प्री ऑफ द, कौन सा बोलिए, क्योंकि ये पोस्ट है ना, ये थर्ड के नीचे है, तो थर्ड का जो नीचे है वो किसके ऊपर वाले के होगा, दैट इज फोर्थ, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे, ओके, तो ये है टीएच, ओके, सो पोस्ट जाएगा ऑफ द थर्ड फॉर्म से जॉइंट विद द प्री जाएगा ऑफ द फोर्थ टू फॉर्म इंटर